दिल्ली में और देश में स्कूलों में अब गरीब बच्चों को 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य किया है, लेकिन अब इसके लिए देश भर के पब्लिक स्कूलों ने विरोध करना शुरू किया है और विरोध की हद यहां तक गई है कि अगर गरीब बच्चों को एडमिशन स्कूलों में देने के लिए सरकार कोई कंपल्शन करती है, जोर जबरदस्ती करती है, तो इन स्कूलों ने अपने स्कूलों को बंद करने की धमकी दी है। हमने बिंदास बोल में स्थिति को देखा, हमने बिंदास बोल में इसके परिणाम देखे, अब हम कारणों पर भी नजर डालने वाले हैं और हम भारत में ही नहीं दुनिया में पहली बार अपने कार्यक्रम में इंटरनेट के द्वारा स्काइप से आप कोई दर्शक सीधा अपने घर से, अपने ऑफिस से, चैनल से लाइव में जुड़ सकता है, ऐसी सेवा शुरू करें। ये भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब एक कॉलर स्काइप से, इंटरनेट से सीधे हम तक जुड़ने जा रहे हैं, देखिए हम उनसे भी बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ, आपका स्वागत है बिंदास बोल में, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं सर। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, हमने स्काइप जैसा जो है यूज किया सर। हाँ, तो लोग है जो गरीब बच्चों को शिक्षा ले रोक रहे हैं, ठीक नहीं है सर, ऐसा ठीक नहीं है। गरीबों के प्रति को कान चलाने की बजाय ये लोग उन बच्चों को रोक रहे हैं जो कल का भविष्य है। क्या गरीबों के बच्चे आईएएस नहीं बनेंगे? क्या गरीबों के बच्चे आईआईएम नहीं करेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। हम टेस्ट को यूज कर रहे हैं, इस सर्विस को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम, हो सकता है थोड़ी आवाज में आपको दिक्कत आई हो, लेकिन अब आप ये एक सही मायने में हम लोगों तक जा रहे हैं, आम आदमी तक जा रहे हैं, और आम आदमी सीधे चैनल पर अब केवल फोन से नहीं तो वीडियो से जुड़ने जा रहा है, बल्कि जुड़ गया है। ये एक तरीके से अब इतिहास निर्माण हो रहा है, एक सुनहरे भविष्य की तरफ एक तकनीक का सही उपयोग है। आइए इस ब्रेक में हम नजर डालते हैं कि इनके क्या कारण है कि ये चीज हो रही है, और हम कारणों के साथ साथ जाने के पहले कुछ कॉलर बहुत वेटिंग में है, हम उनसे भी बात करेंगे, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार, बिंदास बोल में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए जी। हाँ, आपका शुभ नाम बताइए। विजय वर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लखीमपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं सर, हाँ कहना ये चाहते हैं कि शिक्षा की जो बात चल रही है, जिसे प्राइवेट स्कूलों का विरोध किया जा रहा है, ये गलत बात है कि मतलब फीस बहुत ज्यादा है। सही बात है, फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन ये भी हम लोग सोचना चाहिए कि सरकारी विद्यालय जो है। बिल्कुल, आप शायद मुद्दे को समझ नहीं रहे, हम फीस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो जिन स्कूलों ने सरकार से रियायती दर पर जमीन ली, उनको यह अनिवार्य है कि वो 25% गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला दें, लेकिन अब वो स्कूल कह रहे हैं कि हम एक भी गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, और अगर उनको देने की कंपल्शन करेंगे तो हम स्कूल बंद कर देंगे, ये मुद्दा है। हाँ, तो सर ये गलत कर रहे हैं, जब जमीन को रियायत पर दी गई है, और वैसे भी सर गरीबों शिक्षा को जो है बिल्कुल उससे नहीं जोड़ना चाहिए, सरकार से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, और हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद विजय वर्मा जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से विजय वर्मा अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे। अब हम और एक एमएमएस को भी देखेंगे और साथ साथ में हम आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, कॉलर को भी लेंगे, और हम आपके इन प्रतिक्रियाओं के साथ आज इस विषय को अंजाम देंगे, पूरी तह तक जाकर इस पर चर्चा करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, देखते क्या कहते। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। सर मैं रमेश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं रमेश जी? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप तो सरकार और इनकी नूरा कुश्ती लग रही है, हम आपको जबरदस्ती करेंगे, आप विरोध करिए, फिर देखेंगे तोड़ पानी कहाँ तक होती है, ये भी हो सकता है। जी सर, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो ये लगता है कि सरकार भी इन प्राइवेट स्कूलों को अगर देखें इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रही है, मेरे हिसाब से लगता है। जहाँ तक मुझे एक भारतीय होने के नाते सर मुझे ये लग रहा है कि सरकार इन्हें फुल सपोर्ट कर रही है प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर सरकार चाहे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो मुझे लग रहा है कि एक हद तक सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है। बिल्कुल,
मतलब आपको लगता है कि ये साठगांठ है, मिली भगत है और नूरा कुश्ती है? जी सर जी, बिल्कुल मुझे ये लगता है। धन्यवाद। जो सरकार और प्राइवेट स्कूलों में ड्रामा चल रहा है इसके ऊपर ही संदेह लिया हमारे कॉलर ने, और ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश में फायदे के लिए कुछ भी हो सकता है। एक और कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है, बोलिए, आपका शुभ नाम बताइए। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दूसरे कॉलर को लेंगे और साथ साथ में हम एक एमएमएस को भी दिखाएंगे और एक कॉलर को भी लेंगे। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, शायद कॉलर को हमारी आवाज नहीं जा रही। हम हेलो, शायद तकनीकी कारणों से हमारी बात नहीं हो पा रही कॉलर से। हम आपको एक एमएमएस दिखाते हैं कि एमएमएस में आपने क्या कहा है। दिल्ली के स्कूल जो कर रहे हैं सब गलत है, ठीक है। इसमें जो है गरीबों के लिए कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है, तो चाहिए कि सरकार को चाहिए कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए 25% का आरक्षण एकदम नेसेसरी कर दिया जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं रहेगा और सभी के लिए शिक्षा समाज समान रहेगी। कारण है और कारणों के साथ बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन एक कॉलर क्या कहना चाहते हैं देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, देश में शिक्षा, शायद हमारे देर से कार्यक्रम देखना जिन्होंने शुरू किया वो विषय को नहीं समझ रहे, इसलिए हम उनके सामने मुद्दा क्या है आज का ये दोबारा दिखाते हैं क्योंकि आप विषय को समझ पाए। आपके सामने ये मुद्दा क्या है ये पैकेज। देश में शिक्षा का हो रहे बाजारीकरण को देखते हुए बिंदास बोल में आज हम लेके आए हैं एक ऐसे मुद्दे को जो कुछ वर्ष पूर्व का भारत ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बात शुरू होती है दिल्ली से। जी हाँ, 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हुए शिक्षा अधिकार कानून के खिलाफ दिल्ली के पब्लिक स्कूल अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं। राजधानी के पब्लिक स्कूलों ने साफ कर दिया है कि शिक्षा अधिकार बिल को आधार बनाकर स्कूलों में प्रवेश ले रही गरीब बच्चों को किसी भी हालात में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों ने अपनी शिक्षण प्रणाली में किसी भी प्रकार के बदलाव करने से साफ इनकार किया है। अगर सरकार उन पर दबाव लाती है तो उन्होंने स्कूलों को बंद करने की धमकी तक दे दी है, और जरूरत पड़े तो इसके लिए उन्हें सड़कों पे ही क्यों न उतरना पड़े, लेकिन हम उन गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे। इससे तो यही अंदाजा लगता है कि ये स्कूल उनके बाप की जागीर हो। राजधानी में चल रहे पब्लिक स्कूलों की कुल संख्या की बात करें तो ये करीब 1900 हैं, और इसमें 250 स्कूल ऐसे हैं जो DDA की जमीन पे चल रहे हैं, जिनको सरकार ने करोड़ों रुपए की महंगी जमीन दी और इन्होंने लिखित में यह कबूल किया है कि वो इसके बदले गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, और अब ये स्कूल किसी भी सूरत में अपनी शिक्षण व्यवस्था में सरकारी दखल नहीं चाहते हैं। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष RC जैन ने कहा है कि शिक्षा अधिकार कानून को वो अपने स्कूल में लागू नहीं करेंगे, और कहा हमें यह कानून कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के इस नियम का खुलकर विरोध करेंगे। दूसरी ओर मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कड़े शब्दों में कहा है कि सभी निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों को अपने यहाँ 25% सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ये स्कूल गरीबों को प्रवेश न देकर अन्याय कर रहे हैं। क्या गरीबों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई हो? क्या ये अमीर गरीबों को एक साथ नहीं बैठाना चाहते? क्या ये
तो ये स्थिति है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ सर, विजय बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। हाँ। कि गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में जो ये स्कूल वाले कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इनके खिलाफ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जो शीला दीक्षित ने आज भी बयान दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आखिर कब होगी ये कार्रवाई, कब होंगे एडमिशन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका ठोस उपाय समझ में आना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, ऐसा नहीं रहा केवल बयान आ जाता है कि शीला दीक्षित ने ये कहा है, सिब्बल जी ने ये कहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कड़ा जो फैसला होना चाहिए वो नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद। और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, और साथ साथ में हम आपकी प्रतिक्रिया को भी यहां पर ले रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। हेलो, हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। बिंदास बोल जारी है।